कि मुजफ्फरपुर जिला से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि मुजफ्फरपुर जिला में 300 शिक्षकों में से 183 शिक्षकों के फर्जी होने की आशंका जताई जा रही है। जी हां, जिले में सैकड़ों 80 शिक्षक फर्जी ढंग से कार्यरत हैं। इनमें से 183 ऐसे शिक्षक हैं जिसको विगत 2 वर्षों से वेतन नहीं मिला, इसके बावजूद भी इन्होंने किसी भी तरह की शिकायत दर्ज नहीं कराई है। इसको लेकर के जिला शिक्षक कार्यालय और शिक्षा विभाग भी सशंकित है। इस संबंध में शिक्षा विभाग के द्वारा छानबीन भी कराई जा रही है और 80 शिक्षकों की बहाली में फर्जीवाड़े के कारण ही कई स्तरों पर कार्रवाई भी की जा रही थी। प्रथम चरण में आपको बता दें कि 380 शिक्षकों की डिग्री पर कार्यरत की जांच कराई गई थी, जिनमें से 145 शिक्षकों पर प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई थी। उनमें से 45 शिक्षक ऐसे थे जो न्यायिक प्रक्रिया में गए हुए थे, जिसके कारण उनकी सेवा पुस्तिका व रिकॉर्ड की जांच कराने का निर्देश दिया गया था। 2 साल से यह प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अभी तक इनकी प्रक्रिया जो है पूरी नहीं हो पाई। लेकिन बिहार में अभी शिक्षकों के वेतन भुगतान से पहले उन शिक्षकों की प्रमाण पत्रों की जाँच होती है, उसके बाद ही फाइनली वेतन का भुगतान किया जाता है। साथ ही 183 ऐसे शिक्षक है जिसको 2 वर्ष से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, उसके बाद भी इन 183 शिक्षकों ने किसी भी तरह का शिकायत दर्ज नहीं कराई है। फाइनली ये शिक्षक 183 ऐसे शिक्षक जो जांच ऐसे में शिक्षा विभाग के द्वारा ये सवाल खड़े होते हैं कि आखिर 2 साल से वेतन भुगतान न होने के बावजूद भी आखिर ये शिक्षक खामोश क्यों है, अपने वेतन भुगतान को लेकर के आवाज किसी फोरम में क्यों नहीं उठाई है। विभाग द्वारा इन शिक्षकों को लेकर के सशंकित है और इनकी सेवा पुस्तिका व प्रमाण पत्रों की अब जांच। 183 शिक्षकों की बहाली की तिथि और प्रक्रिया का सत्यापन कराया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार में अभी भी फर्जी शिक्षकों की भरमार है, लेकिन सरकार की जांच की जो प्रक्रिया वो काफी धीमी है, इस वजह से 1 साल 2 साल 10 साल भी लग सकता है। हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे